मेरा देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर आए आप। आप ओलंपिक में भी आपने मेडल जीता था, पहले थे आप जो मेडल जीत रहे थे, और कॉमनवेल्थ में भी ऐसा हुआ, आपके लिए आपने गोल्ड जीता, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे बहुत खुशी है, खुद को भी बहुत प्राउड प्राउड मानती हूँ कि मैंने ओलंपिक की बात ओलंपिक में जो हमने सपना किया था कि ओलंपिक में जाके एक मेडल इंडिया के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए लेने के लिए, तो वो पूरा सपना हुई। इसके बाद तुरंत ही कमोल गेम्स के लिए मैंने जो तैयारी किया था वो भी मेडल के लिए, तो गोल्ड मेडल और खुद का रिकॉर्ड भी मैंने किया, तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। पर मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैंने इंडिया के लिए नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप मैंने मेडल दे पाया, तो वो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं खुद को भी जब वो मेडल जो वो जो कैटेगरी थी जो वेट लिफ्टिंग में जिस कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई जो उसके लिए लड़ रही थी, तो वो बोला जा रहा था कि आपके लिए बहुत मामूली बात है, आपका तो मेडल पक्का ही था, तो हाँ उसके बारे में क्या जी, बोलेंगे? कमोवेल गेम्स या वेट लिफ्टिंग के लिए और मेरे लिए इजी है, ये सभी को पता है कि कमोवेल गेम्स की तो मेरे लिए इजी होते हैं, पर वो कंपटीशन में खुद के लिए लड़ाई कर रही थी कि मुझे आगे का लिए प्लान करने थी, कॉन्फिडेंस और भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मुझे पता है कि एक एक लिफ्ट में से मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा क्या था कि ये गेम्स का रिकॉर्ड भी रखूंगी और मेरा जो मैंने ट्रेनिंग में क्या क्या किया है, क्या क्या चेंज किया है, उसको आगे का कैसे प्लान करना है, उसी के लिए मैंने खुद की ऊपर ही फ्लाइट फाइट करके किया अपने कोच के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक वेटलिफ्टिंग ऐसी कैटेगरी थी जिसमें सबसे ज्यादा मेडल भारत लेकर आया, तो कोच का नाम बहुत आ रहा था कि उनके बारे में काफी लोग बोल रहे थे कि इन कोच की वजह से ही ये इतना पॉपुलर हुआ, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरे कोच के बारे में तो मैं जो भी बोलूँ कम ही रहेगा, क्योंकि 2014 से मैं विजय सर के साथ काम किया हूँ, तो मुझे सर की जब साथ काम करना शुरू किया है तो काफ़ी मेरा इम्प्रूव हुआ है, मेरा ट्रेनिंग में और मेरा टेक्निक में हर चीज़ में इम्प्रूव हुआ है, कि एकदम से मुझे ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप हुआ है, उनकी सर हर चीज़ में ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में मतलब अच्छे से सिखाते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, कि एक गुरु एक प्लेयर्स के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं वो दूर नहीं होते, कभी हम साथ में ही रहते हैं, फैमिली जैसा ही हम काम करते हैं, तो भी हमारा कमी जो आते हैं तो सर मोटिवेशन हर टाइम देते रहते हैं, तो ये गुरु मुझे जो बोले कमी रहेगी पर मेरा गुरु बेस्ट। जेरेमी को भी आप काफी सपोर्ट करती नजर आई, आपका हमने लाइव देखा, इंस्टाग्राम लाइव में आपकी आवाज फुट हो रही थी और आप उनको काफी सपोर्ट करती नजर आई। जेरेमी एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद ना उठा पाए, बट आपके सपोर्ट से वो भी आपके हाँ, भी बहुत डर रही थी उनको, इंजुरी पेन हुआ तो कैसे करेगी बस, तो हाँ मैंने बहुत चिल्लाई उसको चेयर अप किया कि वो जोर जोर से आया, मैं लाइफ ही चल रही थी वो, मुझे डर लगा था कि ना हुआ तो क्या करेगी, तो इसलिए हम चेयर अप किए थे कि आप करना है, आपको बहुत पावर है, आपके अंदर कर सकते हैं, ऐसा क्या हमने उसको इंक्रेज किया, उनको चेयर अप किया, तो फाइनली उसने अच्छा किया, उसको फाइट किया पूरा वेट के साथ, तो अच्छा होगा उसको भी मेडल मिला, तो हम हर टाइम है हम ट्रेनिंग में भी कुछ भी बिंदिया तो रानी ने भी आपको बोला कि दीदी ने मेरे को लिफ्टिंग शूज दिए तो मैं कर पाई, वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी बट दीदी बहुत अच्छे से बोल पा रही थी, मीरा दीदी ने मेरे लिए किया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कि वो लोग मतलब लो फैमिली है अभी जो मेरे अंदर में जो हेल्प कर सकते हैं, मैं उस सबको मैं हेल्प करती हूँ, क्योंकि उनको लिफ्टिंग शूज की जरूरत थी, तो मेरा जो पुराना है मैं उसको रूम में ही रख के क्या करना है, उनको देख के अच्छा लगेगी तो इसलिए मैंने दिया, और हर हमारी जो ट्रेनिंग है हम साथ में रहते हैं तो इसमें हम आपस में बात करते हैं, उसको क्या क्या कमी है हम सिखाते हैं, तो मैं बताते रहती हूँ आप ये कमी है ये चेंज किया तो और भी अच्छा लगेगा, तो ये सब मैं बोलते रहती हूँ, तो शायद उन्होंने अच्छा लगा, और जो मेरा जो बोल रहे हैं मैंने उसको समझाया है उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हाँ मुझे भी चेंज करके अपनी पिज्जा पार्टी की आपने?
मैं कॉम्पिटिशन की बात ही मैंने खाया विलेज में ही। उससे कितने दिन तक नहीं खाया था? एक्चुअली मैं कम ओलंपिक से वापस आके उसके बाद खाई मैंने जब घर पे थे तो उसके बाद से ट्रेनिंग कितनी स्ट्रिक्ट की आपने और उसके बाद नहीं खाया? 24 अगस्त 2021 से मैंने ट्रेनिंग शुरू किया था कमल गेम्स के लिए और कमल गेम्स के लिए और सिंगापुर चैंपियनशिप थी कमल गेम्स की क्वालिफाइंग, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ बंद किया था। फिर जुलाई कॉम्पिटिशन खत्म होते ही आप अभी तक घर जा पाई? हाँ मैं घर गई। स्वागत कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं 3 दिन घर होके आया, मेरा जो लास्ट अभी बर्थडे भी मैंने घर पे ही मनाया तो बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग मुझे मिलने आया। आपने पहली बार आप इस तरह के परिधान में दिखे, आप साड़ी में दिखे और सभी ने आपको बहुत अच्छा बोला आपके लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? मुझे हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस जो है मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी मिलते हैं पहनने का, तो मुझे मेरा बर्थडे के दिन मैंने हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहने तो सभी ने मुझे बहुत लाइक किया, अच्छे लगे वो सब किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आपके आपकी एक फाइनेंशियल कंडीशन देखे तो जिस तरह से ओलंपिक के बाद सुधरी, जिस तरह से इतनी चेंज आया ओलंपिक के बाद से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में और लोग आपको जान पाए, क्योंकि मैं हम आपको पहले से फॉलो कर रहे थे तो आप बहुत बहुत पहले से तैयारी कर रही थी इन सब चीज़ों की, तो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, शुरुआत में तो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं सकते बहुत सारे, मतलब हर चीज़ में जाने का, डाइट का, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी कि जब हम कॉम्पिटिशन खेलने जाते हैं तो ड्रेस, नया ड्रेस लेना है और खर्च कलर कैसे करना है और डाइट कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब बहुत हुआ था कि घर पे कोई जॉब करने वाले भी नहीं थे, सिर्फ पापा ही करते थे, पापा ने सबको देखा, हमसे भाई बहन को देखा तो नहीं हो पाती, तो फिर भी मैं मम्मी बहुत सपोर्ट किया था मेरे लिए, तो मैं हर टाइम मम्मी का जो बात है मम्मी बोलते कि आप जो भी जाना चाहते हैं आप करना चाहते हैं आप करो, हम आपको खिला नहीं पाती वो सब दे नहीं पाती, फिर भी आप हम आपको कभी हार नहीं दूंगी वो सब बोलते, तो ये मुझे पावर मिली है तो। किरण रिजिजू सर का स्पेशल सपोर्ट रहा हमेशा, उनकी ब्लेसिंग्स रही, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे या ट्वीट करते थे और अच्छे सभी एथलीट्स को, और स्पेशली उन्होंने जब आप मेडल जीत के आई तो आपके लिए पिज्जा पार्टी अरेंज की थी तो किरण रिजिजू सर के बारे में मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर किरण रिजिजू सर में बहुत ही अच्छा लगा कि सर हर प्लेयर्स को मोटिवेशन करते हैं, मिलते हैं वो सब, तो मुझे ये हम प्लेयर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है ये कि हम एथलीट को, प्लेयर्स को हर टाइम मतलब मोटिवेशन करे, हर टाइम मिले, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी मेडल लेके आते हैं तो सब पहले ही ट्वीट करते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। एक खास क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे, स्पोर्ट्स ट्रम्पेट के दर्शकों ने खास हमसे बोला था कि जब भी हम मीरा से मुलाकात करें उनका इंटरव्यू लें, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे कि जब भी आप पोडियम पे जाती हैं तो यहाँ हाथ रखती हैं और सबको नमस्ते बोलती हैं पहली चढ़ के, तो वो किस तरह से बनाए, कैसे हुआ? मुझे ये एक खास अंदाज है आपका? पता नहीं, मैं ये अंदर से ही आया है, मैं जब लिफ्ट करने जाती तो मैं सबको मैं पहले नमस्ते बोलती हूँ, पहले सबसे पहले सबको फोटो में देखा होगा, ये मुझे पावर मिलती है और सबसे मुझे मतलब कोई भी करना चाहते हैं तो सबसे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे हाँ ये करना अच्छा लगता है, तो फिर यही बस मेरा जो पोडियम जाते हैं तो जो साइड में हमारे फ्लैग होते हैं इंडिया जैकेट की साइड में, तो मैं उसको मतलब दिल से मानती हूँ, तो वही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 2-3 साल से इतना चेंज हुआ है, मैं पटियाला में ही ट्रेनिंग करती हूँ, एनआईएस पटियाला में, तो उसमें काफ़ी चेंज हुआ है कि एक बार भी सबको आके देख लो कि इतना चेंज हुआ है कि
कॉम्पिटिशन सॉरी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग के इक्विपमेंट हम जो भी चाहिए, जिम चाहिए उस रिकवरी के लिए, सोना वाट वो सब कुछ अभी चेंज हुआ है। पूरा ओलंपिक का स्टेडियम बना के रखा हुआ है, मेरा ट्रेनिंग सेंटर हॉल की साइट में ही टेक्नो जिम बना के रखा है, तो काफ़ी चेंज हुआ है खाने का सब कुछ में। तो ये टॉप्स ऑफ साइड ने बहुत ही बड़ा काम किया है प्लेयर्स के लिए कि हम कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग ना करें, इधर ही रह के ट्रेनिंग करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा। स्पोर्ट्स ट्रम्पेट के बारे में आपका कोई खास मैसेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्पोर्ट्स ट्रम्पेट ट्रम्पेट स्पोर्ट्स ट्रम्पेट सभी मीडिया आप लोग की ऊपर बहुत ही मतलब हमारी धन्यवाद रहेगी कि आप लोग ने ही हमको दिखाया है, सबको मतलब पहचान दिया है कि आप लोग ने जो दिखाएगी तभी वो लोग सब देखते हैं। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ सारी मीडिया सबको, क्योंकि उन्होंने थैंक यू स्पोर्ट्स ट्रम्पेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।